हल्का हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांध गाती हैं। किस लिए बांधती हैं कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो अपना पता भी कोई नहीं। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई अपने भाई का राखी बांधन। इकलौता भाई था और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, एक घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तो भूल गई, टक्कर मारने दीवारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए, अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे। क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले ले। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी तो औरों को भी समझाती है कि विवेकती गुरु जी जो कहे सच्ची बात है। मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा और भाई ये ना पाया मुझे, भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन के। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए। हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्योहार है ये सत्संग है, समागम हमारा त्योहार है और ये महीने में दो दो बार होता है, तीन तीन दिन का होता है। ये त्योहार मनाओ, बाकी त्योहार क्या है।